नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और आजीवन कारावास की सजा काट रहा अपराधी सुजीत सिन्हा का जेल में शराब पार्टी करते फोटो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फोटो में सुजीत सिन्हा अपने गिरोह के अन्य अपराधियों के साथ शराब पार्टी करता नजर आ रहा है। हालांकि ये फोटो कब और कहां की है इसकी पुष्टि न्यूज 11 भारत नहीं करता है। जेल में अपराधी सुजीत सिन्हा की शराब पार्टी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। मंडल कारा गुमला में बंद है अपराधी सुजीत सिन्हा। बताएं आपको कि न्यूज 11 भारत फोटो की पुष्टि नहीं करता है। मंडल कारा गुमला में बंद है अपराधी सुजीत सिन्हा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी इमरान, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए सुजीत सिन्हा जेल में बंद है, लेकिन इस बीच ये शराब पार्टी करते हुए जो फोटो वायरल हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है कि जेल में ये शराब पार्टी चल रही है? देखिए, जिस तरह से सुजीत सिन्हा के बारे में जानकारी अक्सर मिलते रहती है कि जेल में बैठ करके वो हर आपराधिक घटना और घटना के पीछे जो रंगदारी या फिरौती की डिमांड की जाती है, कहीं ना कहीं सुजीत सिन्हा और उसके पत्नी के सारे पर की जाती है। कल भी जब रांची में ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी थी कि उनके गिरोह के चार लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनके पूछताछ में भी ये बातें सामने आई थी कि सुजीत सिन्हा के जेल में रहते हुए उनके द्वारा दी गई इशारे के आधार पर रांची के बड़े कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा था। ये सब जेल में बैठ करके सारी घटनाएं की जाती थी। ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि ऐसे अपराध कर्मी को पकड़ा गया है, ऐसे अपराध कर्मी है जो लगातार जेल में रहते हुए सक्रिय है, और न सिर्फ सक्रिय है बल्कि जेल में पूरे ठाट के साथ, पूरे आराम के साथ पार्टी अरैस की पूरी जिंदगी सुजीत सिन्हा गैंग से जुड़े जो अपराध कर्मी हैं और सुजीत सिन्हा खुद उठाते हैं। शायद यही वजह है कि समय समय पर सुजीत सिन्हा के जो जेल पे जेल को ट्रांसफर किया जाता है, कभी उसे रांची तो कभी गुमला तो कभी दूसरे जेलों पर शिफ्ट किए जाते हैं, ताकि इस तरह की गतिविधियां जो है वो बंद किया जा सके। क्योंकि अक्सर ये बातें सामने आती है, जब वो रांची में भी रह करके थे, यहाँ पर भी जब रिमांड में लिया गया था तो ये बातें सामने आ रही थी कि सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों के माध्यम से जेल में मोबाइल फोन के माध्यम से ये सारी जानकारी जुटा रहे हैं, और ये जो जानकारी के माध्यम से ही ये जो लेवी और वसूली करते हैं, इसी तरह के करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फोटो जो वायरल हुई है, इसमें पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये कब की फोटो है और किस परिस्थिति में, किस वजह, किस दौरान ये खींची गई है, जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन इतना साफ है कि जेल के अंदर की ये तस्वीर साफ तौर से देखी जा रही है, फिर भी इसकी पुलिस जो है वह गंभीरता से जांच कर रही है कि किस तरह से ये शराब वहां तक पहुंचा, पैसे कहां से पहुंचे, पार्टी किस तरह की ऑर्गेनाइज की गई थी, इन सारे पहलुओं की जांच फिलहाल झारखंड पुलिस कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।